असांजे मुआसी सफर में वो साथी असांजे मुआसी असांजे मुआसी सफर में वो साथी तमाणी द मंजिल पंजा ढोल ढाती शहीद मियां अला बख्श सुमरो वल्द हाजी मोहम्मद उमर सुमरो यो सिंध सुमरा कबीला मां हो जैसे सिंध से घने वक्त हुकूमत रही हुई। यो कबीलो हुबल वतनी कौमी गैरत ए बहादुरी का मशहूर हो। सिंध से अरबन के कब्जे का पोए गजनवी हाकिमन जो कब्जो थो। उन सिंध में ही पेरों कबीलो हो जै उन धारिन की तसलत का आजो कर मकानी खुद हुकूमत कायम कई हुई। सिंध के दोदासानी मरूम अल्लाबक जहाँ वा शिकारपुर शहर जहाँ राक हुआ। शिकारपुर में संद संदन पाड़ो मिस्त्री नाले से मशहूर है। मियाँ अल्लाबख्श 1919 इधारे शिकारपुर शहर में जाओ हो। इन्हें इब्तदाई तालीम मकानी स्कूल में वरती। सानवी तालीम 1912 इधारे होपफुल अकेडमी शिकारपुर में वन शुरू क्या स्कूल के डी में वो जहीन ए तेजफम शागिर्द हो। रांदन में घड़ो भेरों वो हो। क्रिकेट सा खास दिलचस्पी होंगी हुई। केतरा दफ़ा पैं स्कूल पारा हु सखर जेकाबाद स्कूल के शागिर्द से रांदन खेड़ ला चूंडियो वो। मैट्रिक ताई पढ़ने का पोए तालीम छदे वालिद सा गड सरकारी ठीकन जमींदारी जी संभाल जो कम कर लगो। होशियार बावसिल होण करे सगो यू अंग्रेज इंजीनियर से सुठा तालुकात पैदा करे वो। जिनकी मेहरबानी से इन ठीकन में घड़ो कमायो। ये जितो कमाइंदो हो ओतरो कुशादा दिल्ली से खर्च भी कर जानंद हो। मजलसन यारन दोस्तन मोहताजन इल्मी इदारन शागिर्दन से खर्च करण में हथ छूट हों उन संदस असर जो दारो वो वो 1923 अदारे यो जेकाबाद म्यूनसिपलिटी ए जिले लोकल बोर्ड सखर जो मेंबर चूंडियो। 1926 की चूंडन में ही खान बहादुर जानमोहन खान पठान सुल्तानकोट सखर जिले के बासर ए मुख्या जमींदार के मुकाबले में बम्बई काउंसिल से मेंबर चूंडियो आयो। भुट्टे खानदान से संदस वालिद के ढीह का सुठा तालुकात हुआ हुआ। इन सर शाहनवाज खान भुट्टे की बम्बई काउंसिल में दस्ते रास थी कम कयो। जो उन वक्त बम्बई काउंसिल में सिंध के मुसलमान मेंबर जो लीडर हो। अंग्रेजी आफिसर के लागापे जहनी लियाकत ए काउंसिल के कम में दिलचस्पी वन सबब बम्बई काउंसिल की मेंबरी के जमाने में इनके घणन ही काउंसिल से वास्ते रखंद या सरकारी कमेटी से चूंडियो वो जिते खेस तजर्बे हासिल कर घा मौका मिलया। हि 1926 का 1936 ताई जैसे सिंध बम्बई से शामिल हुई बम्बई काउंसिल जो मेंबर रहंदो आयो। उन अग 1928 में यो जिले लोकल बोर्ड सखर जो प्रेसिडेंट चूंडियो। जनवरी 1931 में इन जेकाबाद में घोड़न की सालान नुमाइश मौके से सिंध के लोकल बोर्डन के प्रेसिडेंटन ए चीफ ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस सदाई। उन कॉन्फ्रेंस में लोकल बोर्डन की तंजीम इख्तियार सुधार बाबत केतरा ही ठहराव पास थिया। इन मौके से सिंध के लोकल बोर्डन की एसोसिएशन पिण बरपा कई हुई। उन्हीं ही मौके से इन सिंध के मुस्लिम सियासत कॉन्फ्रेंस सेठ हाजी अब्दुल्ला हारून की सदारत हेठ सदाई जैमें सिंध की जुदाई ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ठहराव की ताइद में ठहराव पास किया वह। सखर ए जेकाबाद जिला वन जमींदार ए कौम के सदारन की रहायश ए असर वाला जिला हुआ। ये एक तो शहर जो राहक हो बो तो उन्होंने मुकाबले में नंढो जमींदार ए बेरवा जो मानू हो। पर लियाकत काबिलियत खुशकल्की लग लगापे ए कुशादा दस्ती के करे बिन्हीं जिलों से हावी थी। 1936 में इतिहाद पार्टी कायम थियण से ये उनमें शामिल थो। 1937 के आखिर में इतिहाद पार्टी सर गुलाम हुसैन की वजह से एक प्रोग्राम के बुनियाद से कोलेशन थी। जे प्रोग्राम के अमल में आने लाए एक वर्किंग कमेटी ठाई वही। उन कमेटी से इतिहाद पार्टी तरफा खान बहादुर अल्लाह बख्श मिस्टर गजर आयम आऊँ मेंबर हुआसूँ। सर गुलाम हुसैन अतल इम्कान उन प्रोग्राम के अमल में आने की कोशिश कई। प्रोग्राम के तेजी से अमल में आने में के मुख्य दुश्वार नजर आयु। मार्च 1938 में बजट के मौके से एक रुपया कटे ठहराव पास करने बाद सर गुलाम हुसैन की वजारत के शिकस्त दई नई वजारत खान बहादुर अल्लाह बख्श के हथ हेठ ठाई वही। कांग्रेस ए हिंदू इंडिपेंडेंट पार्टी की मदद से इतिहाद पार्टी की वजारत ठही। उनमें वजीरम का सवाए पीर लायबख्श मिस्टर नेचलदास वजीरानी ब वजीर थे। सूरत में वजारत डायण में सिर्फ 7 मुस्लिम मेंबर वोट किया हो ए बया सब हिंदू मेंबर हुआ। वजारत के तरफा मेंबर में हिंदुओं की अक्सरियत हुई। तें करे मुसलमान के पढ़ियल गुरुओं तरफा उनते सख्त एतजाज थो। मुसलमान के पढ़ियल तबके के मुश्तल करण लाए नक्कल मजीरन तरफदारन फिरकेवार प्रोपेगेंडा के आधार से घणो कुछ कयो। उनके मुंह डेण मुस्लिम आवाम से लागापे कायम कर लाए पीर लाए बगी गज जो डिघो प्रोग्राम रखो वो। 29 मार्च 1938 असेंबली में पॉलिसी बाबत एक बयान जारी किया। 1938 के आखिरदारे
दिलन वधाइण जो सवाल वज़ारत अॻियां पेश थियो। इहो सवालु अलाह बख़्श वज़ारत पंहिंजी मदद कंदड़ टिनी पार्टियुनि जे मशवरे जे ख़िलाफ़ु फ़ैसल करे दिलूं वधाए छॾियूं। हुन ते इतिहाद पार्टीअ जा मेंबर ॿिनि हिसनि में विरिहाइजी विया, हिकिड़ा वज़ीरनि जे तरफ़ रहिया ऐं ॿिया आम पार्टीअ तरफ़। उन सिंध में सूबा मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस 8-9 अक्टूबर 1938 ईस्वी ते जना साहब जी सदारत हेठि सॾाई, जंहिंमें घणो करे सारी हिंदुस्तान जा मुस्लिम लीग अॻवान अची इकठा थिया हुआ। चुनाचे 11 अक्टूबर 1938 ते सेठ हाजी अब्दुल्ला हारून जी जाइ ते हेठिया मुखिया माण्हू गॾु थिया। मिस्टर मोहम्मद अली जना सदर आल इंडिया मुस्लिम लीग, हाजी अब्दुल्ला हारून, सर सिकंदर हयात ख़ान वज़ीर आज़म पंजाब, मीर बंदा अली ख़ान टालपुर, मौलवी फज़ुल अकबर वज़ीर आज़म बंगाल, ख़ान बहादुर अल्लाह बख्श वज़ीर आज़म सिंध, सर सादुल्ला ख़ान वज़ीर आज़म आसाम, पीर इलाही बख्श वज़ीर रवेन्यू सिंध, सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्ला जी एम सैद। उते ख़ान बहादुर अल्लाह बख्श खे सभिनी मुस्लिम लीडरनि तरफ़ां मिंत कई वई त बंगाल ऐं पंजाब जे वज़ीर आज़म वांगुरु ही बि मुस्लिम सां इलाह करे, जा ॻाल्हि हिन घणे सत सताव बाद क़बूल कई। टिनि ॾींहनि खां पोइ 14 अक्टूबर शाम जो घणा सिंध असेंबलीअ जा मेंबर अची इकठा थिया ऐं उन्हनि खां मुस्लिम लीग पार्टीअ जे ऐदनामे ते सयूं वरिती वयूं। 29 मेंबरनि सयूं कयूं। पोइ सवालु उथारियो वियो त लीडर जी नई सर चूंड कई वञे। उन ते ख़ान बहादुर अल्लाह बख़्श ऐं संदसि सरदारनि एतिराज़ु उथारियो त पंजाब ऐं बंगाल में जॾहिं अॻियूं वज़ारतूं क़ाइमु रखी वियूं हुयूं त पोइ हिन हालति में छो जुदागाना रवियो इख़्तियारु कयो थिए वियो। जना साहिब सारी वज़ारत खे मुस्लिम लीग जे मातहत आणण लाइ लीडर जी चूंड ज़रूरी थी ॾिया थी। उन करे सलाह टुटी पियो। अलाह बख़्श इनकार कयो। मुस्लिम लीग खुलियल मुखालफ़त शुरू कई। अलाह बख़्श मुस्लिम लीग हाई कमांड साम्हूं पेश पवण खां इनकार कयो। उन ते जना साहिब जी मौजूदगी में मुस्लिम लीग असेंबली पार्टी ठही। उनजो लीडर सर ग़ुलाम हुसैन ऐं डिप्टी लीडर मीर बंदा अली ख़ान चूंडिया विया। उन में ठहराउ करे मूंखे हुकुम कयो वियो त अलाह बख़्श वज़ारत ख़िलाफ़ु बेअतबारी जो ठहराउ असेंबली में मोकिलियां। थोरे वक़्त खां पोइ असेंबली कठी थी। उन विच में अलाह बख़्श वज़ारत मुस्लिम लीग में शामिलु घणनि मेंबरनि खे पंहिंजे तरफ़ करे छॾियो। ख़ुदि मुस्लिम लीग पार्टीअ जो लीडर ऐं डिप्टी लीडर बि मुस्लिम लीग खे छॾे वञी वज़ारत में शामिलु थिया। आख़िर जॾहिं ठहराउ असेंबली में पे थियो त सदर सिर्फ़ 7 मेंबर हुन लाइ वोट कयो ऐं रिथ किरी पई। रहियल मुस्लिम लीग मेंबरनि ख़ान बहादुर मोहम्मद अयूब खोड़े खे पार्टी जो लीडर चूंडियो। 1949 ईस्वी जे विच धारे मुस्लिम लीग सखर जे मंज़िलगाह मस्जिद मुस्लमाननि खे मोटाए ॾियण जो सवालु हथ में खयो। अक्सर हिंदू मेंबरनि वज़ारत ते ज़ोर रखियो त उहा जाइ मुस्लमान खे मोटाए न ॾिनी वञे। मुस्लिम लीग तरफ़ां हुन जी पज़ोर घुर थी। आख़िर उन लाइ क़ानूनी अनहराफ़ी कंदड़ हज़ारे माण्हू जेल मोकिलिया विया। मुस्लमान ज़ोरी मस्जिद ते कब्ज़ो कयो। हिंदुनि हुन जे ख़ाली कराइण लाइ सरकार ते ज़ोर रखियो। हुकूमत जॾहिं मुस्लमान खे ज़ोरी मस्जिद जो कब्ज़ो वरितो ऐं मुखिया कारकुन खे क़ैद कयो त सिंध में हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा थी विया। मज़हबी जज़्बात भटकण करे ॻोठनि में रहंदड़ हिंदुनि लाइ गैर सलामती वारी हालति पैदा थी पई। उनखां मुतासिर थी हिंदुनि ऐं कांग्रेस जे मेंबरनि आरसी नफ़े ख़ातिर मुस्लिम लीग सां गॾिजी अलाह बख़्श वज़ारत खे शिकस्त ॾेई मुस्लिम लीग वज़ारत खे ताक़त में आंदो। जहिड़ी तरह अलाह बख़्श वज़ारत 7 मुस्लमान मेंबरनि जे आधार ते हिंदू मेंबरनि जी मदद सां ताक़त में आई हुई, साॻी तरह मुस्लिम वज़ारत बि हिंदू मेंबरनि जे आधार ते 7 मुस्लमान मेंबरनि सां ताक़त में आई। असेंबली मुस्लमान मेंबरनि जो दस्तूर हो त जेका बि धुर वज़ारत में आई उन सां आख़िर ताईं वफ़ादार रहंदा हुआ ऐं उन जे किरण खां पोइ वञी ॿी वज़ारत जा साथ ॾींदा हुआ। हिन जी वफ़ादारी शख़्सनि या पार्टियुनि सां न हुई बल्कि ताक़त सां हुई। जंहिंजे हथ में ताक़त हूंदी हुई अक्सरियत मुस्लमान मेंबरनि जो साथ ॾींदी हुई। नई मुस्लिम लीग वज़ारत में मूंखे ज़ोर करे वज़ीर बनायो वियो। मूंखे ख़बर हुई त कांग्रेस ऐं हिंदू मेंबरनि तरफ़ां हालतुनि खे दुरुस्त करण लाइ आर्ज़ी सम्झो थो हो ऐं वक़्तु गुज़रण बाद पहिरें मौक़े ते नई वज़ारत खे किराए वरी अलाह बख़्श वज़ारत खे ताक़त में आंदो वियो। मुस्लिम लीग ॿाहिरि निकिरण बाद वरी साॻी तरह फिरके वारा प्रोपेगेंडा शुरू कंदी। अॻे दफ़े उन करे हिंदू मुस्लिम फसाद थिया, अॻिते छा थिए इन जो पतो ख़ुदा आहे। उनजो हल मूंखे मकानी हालतुनि मुताबिक़ हिंदू मुस्लमान जो समझौतो कराए सभिनी पार्टियुनि जो हिकु गॾियल वज़ारत ठाहे कारोबार हलाइण में ॾिसण में आयो। उन वास्ते मूं ख़ान बहादुर अल्लाह बख़्श खे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जे मार्फत सम्झाए वज़ारत में अचण लाइ आमादा कयो ऐं पाण इस्तीफ़ा ॾेई पंहिंजी जाइ ते फेस वज़ीर करे आंदो। मूं साणस बि वाइदो कयो 2 महीननि बाद मीर बंदा अली ख़ान इस्तीफ़ा ॾींदो ऐं वज़ीर आज़म जी चूंड जमली मुस्लमान मेंबर कंदा। लेकिन मुस्लिम लीग हाई कमांड उन समझौते खे क़बूल न कयो। उन ते हिंदू ऐं कांग्रेस मेंबरनि मुस्लिम लीग वज़ारत खे डाहे अलाह बख़्श वज़ारत खे ताक़त में आंदो। अहिड़ी तरह सिंध ऑल इंडिया सियासी जमातुनि जे इख़्तिलाफ़नि जो आखाड़ो बणिजी पियो। हालतूं हाणे उन कड़ीअ ते वञी बीठियूं त हिकु तरफ़ कांग्रेस तरफ़ां हिंदुस्तान ख़ाली करण जी तहरीक शुरू थी त ॿिए तरफ़ां मुस्लिम लीग वारनि पाकिस्तान ज़रिए हिंदुस्तान खे विढ़ण लाइ प्रोपेगेंडा शुरू करे छॾी। अंग्रेज़नि कांग्रेस मथां सख़्ती शुरू कई। हज़ारे माण्हू जेलनि में मोकिलिया विया। जमली कांग्रेस वज़ारतुनि इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं। अलाह बख़्श वज़ारत ई हुई जा कांग्रेस जी तरफ़दार हुकूमत हुअण जे बावजूदु ताक़त में रहंदी आई। अलाह बख़्श खे फ़ैसिलो करिणो हो त या मुस्लिम लीग सां शामिलु थी वज़ारत बचाए या अंग्रेज़नि जी पॉलिसी मूजिबि
कौमी आज़ादी लाइ लड़ंदड़न ते हथन सां सख्तियूं कंदो रहे या वज़ारत छॾे ॿाहिरि निकिरी वञे। इहो अलाह बख़्शी ज़िंदगी में दोहराई तज़बर हो, लेकिन आख़िर हिन फ़ैसिलो करे पंहिंजे लाट क़ौम परस्तनि तरफ़ फिटो कयो। हिन अंग्रेज़नि जी क़ौम परस्तनि सां सख़्तनि ख़िलाफ़ु एहतियात कंदे पंहिंजा लक़ब ख़ान बहादुरी ऐं ओबीअ जा अंग्रेज़नि खे 26 सेप्टेंबर 1942 ईस्वीअ ते हिकु ख़त वासराय खे लिखी मोटाए मोकिलिया। उन ते गवर्नर संदसि वज़ारत खे डिसमिस कयो ऐं संदसि जाइ ते सिंध काबिनेट जो वज़ीर सर ग़ुलाम हुसैन खे वज़ारत ठाहिण लाइ चयईं, जीअं मुस्लिम लीग जी शमूलियत सां वज़ारत ठाही। उन खां पोइ मिस्टर अल्लाह बख़्श समाजी कमु करणु तरफ़ तवजा ॾिनो। उन वक़्तु सिंध वॾनि ॿोलियुनि जे हेठि आयल हुई, उन में पंहिंजी आबाद ज़मीननि खे ॿोड़ाए शिकारपुर शहर खे बचाइण जी कोशिशि कई। 14 मई 1947 ईस्वीअ ते सुबुह जो शिकारपुर में टांगे में सवार थी, हिकु तरफ़ खां जीअं ई वापसि पिया आयो त कनि माण्हुनि मथसि पिस्तौल मां ॿ फायर करे खे शहीद करे विधो।